हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CGPSC मोबाइल कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकत परवीन खान और भारतीय इतिहास की आज की इस क्लास में हम मौर्य काल जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी के सेकेंड वीडियो को डील करेंगे, मौर्य काल पार्ट टू। इस वीडियो का आप टाइटल देख सकते हैं। दरअसल हमने मौर्य काल के पार्ट वन में जितने मौर्यकालीन शासक थे उनके पूरे शासनकाल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा था। अब आज की ये जो क्लास है इसमें हम मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, समाज और कला पर नज़र डालेंगे। देखें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर दोहराती हूँ कि भारतीय इतिहास में 5-7 ऐसे राजवंश रहे जिनमें राजाओं की जानकारी के साथ साथ उनके शासनकाल की इन पहलुओं पर से भी सवाल बनते हैं। प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस में ये जो टॉपिक्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं दोबारा गिनवाऊँ आपको कि वो कौन से ऐसे राजवंश हैं जिनमें आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है, तो पहला तो मौर्य वंश ही आता है, क्योंकि प्राचीन भारत में पहला बड़ा राजवंश यही रहा, मौर्य वंश, गुप्त वंश। ठीक है, इसमें राजाओं की जो जानकारी पढ़ते हैं उसके अलावा ये मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल, उसके साथ साथ मराठा और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। ये 6 ऐसे राजवंश हैं जिनमें जो आप नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ते हो ना, राजाओं की कहानी, शासकों की कहानियाँ जो भी पढ़ते कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उसके अलावा इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि कैसा समाज था उस समय, प्रशासनिक इकाइयाँ कैसी थी, प्रशासन किस तरह से होता था, ठीक है, कला का वहाँ पर क्या कैसा परिदृश्य था, अर्थव्यवस्था का क्या आधार था। तो ये सारी चीज़ों पर से क्वेश्चंस बनते हैं। ख़ास तौर पर मैं दोहराती हूँ कि मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पास्ट ईयर पेपर्स उठा करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि जितने बड़े क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें लिखनी रहती हैं, चाहे वो 8 मार्क्स की हो, चाहे वो 15 मार्क्स की हो, तो अगर वो इन शासकों को या इन शासनकालों को या राजवंशों को छूता है क्वेश्चन में, तो वो इन पहलुओं पर से ही बड़े क्वेश्चंस पूछता है। ठीक, माना कि ये पार्ट थोड़ा बोरिंग होता है क्योंकि आपको कहानियाँ नहीं सुनने को मिलती ना, लेकिन स्कोरिंग भी उतना ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कहानी लिखोगे तो बहुत मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन इन चीज़ों में छोटे जो ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको अगर आपने संकलित करके अपने आंसर में डाल दिया तो मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। ढांचा सही रखा, फैक्ट्स सही डाले, तो इसमें स्कोरिंग बहुत होते हैं वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार आप पास्ट ईयर पेपर्स देखिए और आप देखेंगे कि जो मैंने 6 राजवंश कहे थे उनमें इन चीज़ों पर से सवाल काफ़ी बने हैं, वो भी बड़े मार्क्स के, चाहे वो 8 मार्क्स हो चाहे 15 मार्क्स। ठीक, अगर हम मौर्य काल की खास तौर पर बात करें तो प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, कला, हम ये चारों चीज़ें पढ़ेंगे तो, लेकिन मौर्यकालीन प्रशासन इन सब में इम्पॉर्टेंस लेवल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मौर्यकालीन प्रशासन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वजह यह है कि आप सभी जानते हैं कि पूरा मौर्य काल जो है उसकी मेन जानकारी हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, एंड जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इट इज़ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट ट्रिटाइज ऑन पॉलिटी। राजव्यवस्था पर अगर, प्रशासन पर अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई अर्लीस्ट बुक भारत में लिखी गई तो वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र ही है। तो क्योंकि वो पूरी की पूरी बुक राजव्यवस्था और प्रशासन पर ही आधारित है, तो उस वजह से मौर्य काल का प्रशासन इन सभी पहलुओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब अगर आपको मैं ये कहूँ कि मेंस में इनमें से कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो प्रशासन से ज़रूर आए हैं और आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि पूरा मौर्यकालीन प्रशासन, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का हो, चाहे बिंदुसार का हो, चाहे खासतौर पर अशोक का हो, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर आधारित था। एक बात और, किस तरह का प्रशासन होना चाहिए ये तो अर्थशास्त्र में लिखा गया। मतलब आपको अगर कुछ ऐसा दिया गया कि इस तरह का राजा ऐसा होना चाहिए, प्रशासन ऐसा होना चाहिए, ठीक है, या फिर मंत्रिमंडल ऐसा होना चाहिए, अध्यक्ष ऐसे होने चाहिए, विभाग ऐसे होने चाहिए, सेना ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, एक होता है ना कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, तो वो चीज़ें जहाँ पर भी दिखेंगी आपको, मतलब वो अर्थशास्त्र से सोर्स लिया गया है। लेकिन अगर आपको ये बताया गया है कि इस तरह से शासन था, इस तरह से प्रांत थे, इनकी ये राजधानियाँ थी, ऐसी व्यवस्था थी, मतलब क्या था, ये अगर आपको देखना है तो ये ज़्यादातर हमको अशोक के अभिलेखों से मिला है। ठीक है, देखो अशोक के अभिलेखों से हमको क्या पता चला कि अशोक और उसके पहले के राजाओं के समय में प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला कैसी थी और कैसी होनी चाहिए थी, ये हमको खास तौर पर अर्थशास्त्र से पता चला। अर्थशास्त्र के साथ साथ मैंने आपको पहले भी जो मौर्य काल का वीडियो लेक्चर था उसमें बताया था कि मेगेस्थिनीस की जो इंडिका थी उसने भी काफ़ी कुछ नगरीय प्रशासन, यहाँ की कला के बारे में बताई ही बातें। ठीक, तो कुल मिलाकर के इन चारों ही चीज़ों के बारे में मुख्य 3 स्रोत आ जाते हैं। पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
दूसरा मेगेस्थनीस की इंडिका और तीसरा अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट कि आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं। ये मेंस में बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। पहले बता दूं, थोड़ा सा हमको क्योंकि कहानियां नहीं पढ़नी रहती तो आपको बोरिंग लगता है, पर साइंस स्ट्रक्चर फैक्ट्स के साथ लिखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है हिस्ट्री में। ठीक है, तो आप अक्सर इससे बचते हैं, बट ना बचें, इस पर पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जो आंसर्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपको एज दिलाएंगे दूसरे स्टूडेंट्स से। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट देन। सबसे पहले हम मौर्यकालीन प्रशासन, तो देखिए मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे पहले आपको जो दिख रहा होगा बोर्ड पर वो है सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन किस तरह का होना चाहिए उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो उन्होंने प्रतिपादित किया वो है सप्तांग सिद्धांत। हमको सप्तांग थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में, और वो सप्तांग सिद्धांत इतना रिलेटिव, इतना प्रासंगिक है कि आप कह सकते हैं कि वर्तमान में ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में जहाँ पर भी प्रशासन चल रहा है उनमें वैसे ही सत्ता के अंग हैं फिलहाल जैसे कि सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने कहे थे। मतलब आज भी जो प्रशासन होता है उसमें वैसे ही सत्ता के अंग मिलेंगे जैसे सप्तांग सिद्धांत में उन्होंने बताए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भले ही हम कहते हैं कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कई दूसरे देशों से ली गई है, बहुत कुछ हमने विदेशों में चल रहे सिस्टम से अपनाया है, ठीक, लेकिन जो जड़ें हैं इसकी, जो इंस्पिरेशन है, जो बेस है, वो कहीं ना कहीं कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक, तो सप्तांग थ्योरी अपने आप में एक क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। सप्तांग थ्योरी बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इसे बहुत सिंपली समझिए कि क्या है। कौटिल्य ने कहा है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता के कुल 7 अंग होते हैं। इन 7 अंगों को प्रॉपरली प्लेस करना और इन 7 अंगों का सही तरीके से कार्य करना किसी भी प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और उन्होंने सत्ता के ये 7 अंग जो थे उसमें सबसे पहला अंग बताया राजा को, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद। अगर एकदम क्लियर विजिबल नहीं है तो मैं जो बोल रही हूँ उसे रिलेट करिए। ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम कहीं आए, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसे रिलेट करिए। राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, बल और मित्र। ठीक है, किसी भी राज्य या सत्ता के ये 7 अंग होते हैं। ये 7 अंग पहले तो होने ज़रूरी हैं, उनके सही तरीके से मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, उनका प्रॉपर प्लेसमेंट होना ज़रूरी है और इनका सही तरीके से कार्य करना भी ज़रूरी है। ये 7 अंग मिलकर ही राज्य को सही तरीके से चलाने में सक्षम है। देखिए, जो कौटिल्य ने काफ़ी कुछ कहा है प्रशासन के बारे में, ख़ास तौर पर याद रखिएगा कि इन्होंने 7 अंग तो बताए लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अंग जो था वो उन्होंने राजा को ही बताया था। ठीक है, सत्ता का केंद्र अगर कोई है तो वो राजा है और बाकी सारे उसको असिस्ट करने वाले अंग होते हैं। तो सत्ता का केंद्र राजा है, तो राजा पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया कौटिल्य ने कि राजा कैसा होना चाहिए। तो चाहे सप्तांग सिद्धांत हो, चाहे राजा के गुण जो कौटिल्य ने बताए वो हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, बहुत कुछ मैकियावेली की जो द प्रिंस किताब आपने सुनी होगी, मैकियावेली जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उनकी जो द प्रिंस किताब थी उससे मिलता जुलता है। हालांकि ये दोनों ही किताबें, चाहे कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बात करें हम या मैकियावेली की द प्रिंस की, दोनों ही किताबें बिल्कुल अलग एरा में, अलग देशों में लिखी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सोच थी ना दोनों विद्वानों की, वो बहुत कुछ मिलती जुलती थी। जिस तरह से मैकियावेली ने द प्रिंस में प्रिंस की कुछ क्वालिटीज़ बताई थी कि प्रिंस को कैसा होना चाहिए, वैसे ही इन्होंने भी राजा और उसके सारे जितने अंग होते हैं राज्य के उन सब की क्वालिटीज़ बताई थी कि कैसे होने चाहिए। और देखिए, अगर आप दोनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम जल्दी से इनको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि मैंने कहा, सप्तांग में सत्ता का पहला अंग है राजा और राजा पर सबसे ज़्यादा बल दिया है कौटिल्य ने। उन्होंने कहा कि राजा जो है, क्योंकि वो सत्ता का अंग होता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुणी होना चाहिए। उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इन सभी अंगों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य लिखते हैं, ये एक स्टेटमेंट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, कि राजा का जो शील होता है वही प्रजा का भी शील होता है। राजा अगर उन्नतिशील होगा तो प्रजा भी उन्नतिशील होगी, और अगर राजा दुर्व्यसनी होगा तो प्रजा भी वैसी ही होगी।
ये एक स्टेटमेंट है जो अर्थशास्त्री कौतिले लिखते हैं, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने राजा के गुणों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। ऐसा नहीं कि कोई भी राजा बन सकता है, राजा में उन्होंने कहा कि भाई राजा ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ उन्होंने मेंशन की थी वो सब होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है, चार पाँच मैं क्वालिटीज़ आपको बताती हूँ। राजा ऊँचे कुल का होना चाहिए, राजा में दैवीय बुद्धि होनी चाहिए, राजा में दैवीय शक्ति होनी चाहिए, वो धार्मिक स्वभाव का होना चाहिए, वो साम्यवादी स्वभाव का होना चाहिए, वृद्ध जनों की बातें सुनने वाला हो, उसका लक्ष्य जो होना चाहिए वो ऊंचा होना चाहिए। ये मैं आउट ऑफ 10-12 क्वालिटीज़ जो उन्होंने लिखी थी, मैं आपको 5-7 क्वालिटीज़ बता रही हूँ जो उन्होंने कहा था कि ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए राजा में। ख़ास तौर पर इसके बाद उन्होंने कहा, सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया कि राजा ऐसा होना चाहिए जिसको अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो। मतलब ये कि काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष, ये जो 6 चीज़ है इन पर वो विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो। इन चीज़ों पर, इन 6 पूरी की पूरी फीलिंग्स पर उसको पूरा अपना कंट्रोल हो, ठीक है। तो मतलब अपनी इंद्रियों पर उसको विजय प्राप्त हो, ऐसा ही व्यक्ति राजा बनने के योग्य होता है और इसको सबसे ज़्यादा आवश्यक माना, ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष, इन चीज़ों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही राजा बनने के योग्य है। तो इस तरह से उन्होंने ये सारी क्वालिटीज़, उन्होंने राजा की जो दिनचर्या है उसको बहुत स्ट्रिक्ट बताया। पूरे 24 घंटों को उन्होंने पूरा डिवाइड किया कि राजा को कब उठना चाहिए, फिर क्या क्या कार्य करने चाहिए पूरे सुबह से शाम तक। और उन्होंने ये कहा कि उसकी दिनचर्या जो होती है वो पूरी, उसका पूरा जीवन जो है वो प्रजा के लिए समर्पित होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने सारे पर्सनल अफेयर से पहले जो राज कर्तव्य उनको रखें। कभी भी अगर प्रजा की ज़रूरत पड़े तो वो अपने राज कर्तव्य को निभाने के लिए प्रजा के सामने मौजूद हो। कभी भी कोई उससे मिलना चाहे तो वो मिलने के लिए नकारे ना। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जो अर्थशास्त्र के कुछ अंश थे। इस तरह से उन्होंने राजा पर सबसे ज़्यादा फोकस किया कि एक ये सारे गुण रखने वाला योग्य व्यक्ति ही शासक बने। तो देखिए अर्थशास्त्र के हिसाब से राजा जो है उसमें सभी सत्ता की जो शक्तियाँ थी वो केंद्रित थीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल और केवल उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बना गया, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बनाया गया। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाती तो कोई भी व्यक्ति राजा बन जाता। उन्होंने अर्थशास्त्र में ये तो कहा कि राजा के हाथों में सारी शक्तियाँ होंगी, लेकिन जो व्यक्ति राजा के पद पर बैठेगा उसमें सब गुण होंगे तब जाकर वो बैठेगा। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभाएगा तब वो राजा बनने के योग्य हैं, ठीक है। तो ये फोकस किया उन्होंने राजा के ऊपर कि ऐसा होना चाहिए राजा, ठीक। उसके अलावा राजा के बाद उन्होंने सेकेंड फोकस किया अमात्य। अमात्य मतलब मंत्रिमंडल। अर्थशास्त्र में ही कौटिल्य लिखते हैं कि राज्य का जो रथ होता है, ठीक है, राज्य रूपी जो रथ होता है वो एक पहिए से नहीं चलता। राजा जो है वो उसका केवल एक पहिया है, उसके लिए दूसरा पहिया आवश्यक है और वो दूसरा पहिया होगा ये मंत्री परिषद या अमात्य, जो राजा को ज़रूरी बातों पर परामर्श देने का काम करेगा। कहीं ना कहीं आज आप जो देखते हैं विभागीकरण होता है ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर देश में, कि एक शासक के साथ साथ कई विभागों के प्रमुख होते हैं जो उसको ज़रूरी बातों में परामर्श देते हैं, जो फैसले लेते हैं। एक तरह का शक्ति का विभाजन किया गया है, एक जगह एक तरह से कार्यों का विभाजन जो आज पूरे विश्व में किया गया है, वही चीज़ वो इसमें कह रहे हैं कि शासक तो केंद्र का मतलब सत्ता का केंद्र होगा, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए एक मंत्रिमंडल होना चाहिए, तब जाकर के राजा जो है वो सही फैसले ले पाएगा और शासन अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। तो दूसरा उन्होंने अमात्य पर फोकस किया और अमात्य जो होंगे, मंत्रिमंडल जो होंगे, उनकी भी क्वालिटीज़ पर खासा जिक्र किया है, ठीक। आप जब पढ़ेंगे प्रशासन को आगे तब आप देखेंगे कि किस तरह से अमात्यों की नियुक्ति की जाती थी, उनका उपधा परीक्षण किया जाता था, ठीक है। धर्म उपधा, काम उपधा, अर्थ उपधा, यानी उनको पूरी क्वालिटीज जांची जाती थी कि वो कहीं लालची स्वभाव के तो नहीं है। तो इस तरह से उपधा परीक्षण करके फिर उनको अमात्य नियुक्त किया जाता था, ताकि गलत व्यक्ति ना तो राजा बने ना ही अमात्य बने, ठीक है। तो राजा, मंत्री, उसके बाद जनपद। जनपद का मतलब टेरिटरी, जो राज्य का क्षेत्र है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये सत्ता का तीसरा अंग होता है। जनपद के बारे में उन्होंने कहा कि जनपद के जितने मुद्दे होते हैं वो पूरे क्लियर होने चाहिए, एक वेल डिफाइंड बाउंड्री लाइन होना चाहिए, वरना वही बाउंड्री लाइन जो होती है कई बार दूसरे देशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ विवाद का विषय बन जाती है।
ये उन्होंने अर्थशास्त्र में पहले प्रेडिक्ट किया था जो आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं। अगर हम भारत पाक की बात करें, भारत चीन की बात करें, भारत बांग्लादेश की बात करें या दुनिया में कोई भी दो पड़ोसी राज्यों की बात करें, तो आप देख सकते हैं दो देशों में सबसे ज़्यादा विवाद का जो विषय होता है वो बॉर्डर पर बसे इलाके होते हैं, क्लैरिफिकेशन बाउंड्री लाइन होता है। एक देश कहता है हमारा, दूसरा देश कहता है हमारा। तो विवाद का सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो यही होता है कि बॉर्डर जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होती। इसी चीज़ को इन्होंने कहा था कि अगर आपको दूसरे अपने संबंधित राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से सही संबंध बना के रखने हैं तो जनपद जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, एकदम क्लियर बाउंड्री लाइन, अविवादित बाउंड्री लाइन होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो गया जनपद, यानी राज्य का क्षेत्र। उसके बाद कोश, इन्होंने राजकोष को पूरे प्रशासन का आधार बताया कि अगर राजकोष में पैसे नहीं होंगे तो प्रशासन में फिर आप कोई भी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। ठीक, तो राजकोष यानी एक जो कोष होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि राज्य की सभी नीड्स और राजा के जितने कर्तव्य हैं वो सब इससे फुलफिल हो सके। ठीक है, उसके अलावा दुर्ग, दुर्ग मतलब एक महल, किला, राजा, मंत्री और जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं या राज्य के महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनके रहने के लिए एक दुर्ग या महल होना चाहिए। वो महल या दुर्ग की सिक्योरिटी पर, उसके बिल्टअप पर काफ़ी उन्होंने फोकस किया कि एक बहुत ही मजबूत स्ट्रेटेजिकली बिल्ट एक किला या महल होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, ताकि आपात स्थितियों में हम प्रजा को भी उसमें शरण दे सके। आपने सुना भी होगा कई बार ऐसा कि जब भी युद्ध वगैरह हुआ करता था तो राजमहल ऐसा बनाया जाता था कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध के दौरान महिलाओं को और बच्चों को शरण देने के लिए रखा जाता था। मतलब ऐसा होना चाहिए जो अभेद हो, जहाँ पर शत्रु का जो आक्रमण है वो सबसे आखिर में होना पॉसिबल हो, शत्रु बाकी सब चीज़ों को भले कॉन्कर कर ले पर राजमहल तक ना पहुंच पाए। उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, उसकी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसा मजबूत हो कि और इतना बड़ा हो कि सभी को उसमें शरण मिल सके। ठीक है, तो ये दुर्ग के बारे में कहा। उसके बाद बल, मत बल का उनका सीधा सीधा लेना था सेना। ठीक है, दंड लिखा है, कहीं बल लिखा है, कहीं सेना लिखा है। ठीक है, कि राजा को अपनी डिफेंस के लिए एक सेना रखना चाहिए। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत में स्थाई सेना वाला जो पार्ट है वो आप देखेंगे कि अभी जहाँ पे जो बल की बात हो रही थी वो अस्थाई थी, बहुत बाद में दिल्ली सल्तनत के टाइम पर स्थाई सेना रखी गई। लेकिन कभी भी युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है तो उससे निपटने के लिए राजा के पास एक शक्तिशाली सेना होना आवश्यक है, वो भी सत्ता का एक अंग, उन्होंने कहा। ठीक, और उसके बाद मित्र, मित्र का मतलब राजा का कोई पर्सनल फ्रेंड नहीं, उस राज्य का कोई मित्र राज्य। ठीक है, जैसे हम फ्रेंड नेशन कहते हैं ना आज के ज़माने में, वही चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके राज्य के साथ कोई आपका पड़ोसी ऐसा मित्र हो जो आपदा में, जो विपदा में आपको सजेशन दे सके, आपके काम आ सके। तो इनकी कूटनीतिक नीतियां जो होती हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि पड़ोसी राज्यों को मित्र राज्य बनाने की कोशिश की जाए, ताकि जब भी हमको आर्थिक मदद चाहिए हो, सैन्य मदद चाहिए हो, कोई परामर्श चाहिए हो या सुरक्षा चाहिए हो तो वो मित्र राज्य आगे आकर हमसे मित्रता करें या हमें मदद करें। ठीक है, तो इन्होंने सत्ता का एक इम्पॉर्टेंट अंग मित्र राज्यों को भी कहा। ठीक, तो ये हैं सत्ता के वो सात अंग, और आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है, या मैं कहूँ पूरे के पूरे सात अंग ऐसे हैं जो आज भी अप्लीकेबल हैं, आज भी रिलेटेबल हैं और आज भी प्रशासन में उतने ही प्रासंगिक हैं। ठीक, तो ये है सत्ता का सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया था। अब इसके बाद हम मौर्यकालीन प्रशासन में जो था ये क्या है, कैसा होना चाहिए, अब जो था, जो अशोक के अभिलेख, मेगस्थिनिस की इंडिका और अर्थशास्त्र, इन सब से हमको पता चलता है, उसको देखते हैं। तो प्रशासन में हम दो तरीके से पढ़ेंगे प्रशासन को। प्रशासन को जब आपको लिखने आएगा तो आप उसे एक्चुअली तीन पार्ट्स में लिखिए, केंद्र प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और न्याय प्रशासन। ठीक है, इस तरह से तीन हिस्सों में डिवाइड करके आप प्रशासन वाले पार्ट को लिखिए। सबसे पहले हम केंद्र प्रशासन को देखते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन में जैसे कि आपको बताया था मैंने कि पूरी तरह से राजा सत्ता का केंद्र था, केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, केंद्र के पास पूरा शासन का अधिकार था। ऐसा नहीं कि पूरा संघात्मक ढांचा था, राजा ने अपनी शक्तियां किसी निचले लेवल पर किसी और प्रतिनिधि को दे रखी, नहीं, अंतिम फैसला राजा लेता था। हालांकि कार्य करने के लिए और जो गवर्नर्स वगैरह वो नियुक्त किए जाते थे। तो केंद्रीकृत थी,
मोनार्की जिसको आप कहते हैं राजतंत्र अस्तित्व में था, राजा सत्ता का केंद्र था, लेकिन बिल्कुल साप्तांग सिद्धांत को फॉलो करते हुए इन लोगों ने अमात्य मंडल बनाया यानी मंत्रिपरिषद बनाया। मंत्रिपरिषद जो होते थे इनमें कुल 18 मंत्री हुआ करते थे जिसको ये लोग कहा करते थे तीर्थ। मौर्यकालीन प्रशासन में विभागीकरण के जो हेड्स होते थे, ठीक है, जो अलग अलग विभाग होते थे उनके जो हेड्स होते थे उनको तीर्थ बोला जाता था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीर्थों पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया है सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने कि ये राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए होते हैं, इसलिए भी बहुत गुणी और योग्य होने चाहिए, और इसलिए इनकी होती थी उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण, धर्मोपधा, कामोपधा और अर्थोपधा, ठीक है, ये तीनों तरीकों से इनको टेस्ट किया जाता था, फिर जाके किसी को मंत्री अपॉइंट किया जाता था। तो याद रखिएगा ये आंकड़ा, 18 तीर्थ थे कुल। आपको पूरे 18 तीर्थों के नाम याद नहीं रखना है, मैं अभी यहाँ पे लिस्ट एक दे दूंगी इसमें से जो इंपॉर्टेंट तीर्थ हैं, ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, या अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो 4-5 आपको एग्जाम्पल लिखना है, आपके आंसर में आपको वेटेज ऐड करना है तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर तीर्थों के नाम लिखने हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 तीर्थ थे ये आंकड़ा याद रखिए, और 4-5 तीर्थों के नाम आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अलग अलग अधिकारी भी थे, एक तरह की ब्यूरोक्रेसी भी थी, उनको ये अध्यक्ष बोला करते थे, तो कुल मिलाकर के 26 अध्यक्ष थे। 18 तीर्थ थे और 26 अध्यक्ष, इनकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट वालों के लिखिए, मैंने आपको पूरे नहीं लिखना है। जैसे प्रमुख तीर्थ पुरोहित, ये सबसे मेन मंत्री तीर्थ हुआ करता था, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये धर्माधिकारी होता था, धर्म विभाग का प्रमुख, पर राजा का मुख्य सलाहकार जो मंत्री होता था वो यही होता था, प्रधानमंत्री अगर आप बोलेंगे तो वो यही होता था, ठीक है। तो पुरोहित सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री। समाहर्ता, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आई है, समाहर्ता जो है वो राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करता था, इसका नाम याद रखिए कि राजस्व प्रशासन में आपको जब अगर लिखना पड़े तो समाहर्ता का नाम इंपॉर्टेंट है। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, जो ट्रेजरर होता है ना कोषाध्यक्ष, उसका नाम था सन्निधाता। युवराज जो था वो राजा का उत्तराधिकारी था, ठीक। सेनापति, सेना का प्रमुख। दंडपाल, पुलिस अधिकारी। आटविक, वन विभाग का प्रधान। ये मैंने कुछ आपको लिस्ट में बताया है, आप इतने याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाले हैं और पूरे याद रखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जो अध्यक्ष थे वो 26 थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट अध्यक्ष में पण्या अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, सूरा अध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष, शुल्का अध्यक्ष, सीमा शुल्क, अक्षपटला अध्यक्ष, लेखा अधिकारी हुआ करता था, अकरा अध्यक्ष, खाद्य अधिकारी हुआ करता था, और पत्तना अध्यक्ष, बंदरगाह, पोत से समझ में आ रहा होगा आपको, बंदरगाहों का यह अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक। केंद्र प्रशासन में आपको अध्यक्षों के कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, तीर्थों के कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। राजतंत्र था, केंद्र की शासन प्रणाली थी, राजा सत्ता का केंद्र था, ये सब चीज़ों को मर्ज करके आप आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया केंद्र प्रशासन। इसके बाद आते हैं हम प्रांतीय प्रशासन, ठीक। पूरा जो मौर्य वंश का एक्सटेंड था, स्प्रेड था, जो पूरा मौर्य वंश का विस्तार था, मौर्य शासन का विस्तार था, उस पूरे विस्तार को, पूरे कंट्री को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया था, और बिल्कुल आज के जैसे ही इन प्रांतों के और सब डिविजन्स भी किए गए थे। जैसे कि आज हम कहेंगे कि भारत एक देश है और उसके अंदर की इकाइयाँ देखेंगे तो भारत के अंदर कई राज्य हैं, राज्यों के अंदर कई संभाग हैं, संभागों के अंदर कई ज़िले, ज़िलों के अंदर तहसीलें, तहसीलों के अंदर शहर और फिर गांव। ये सब जो मैंने अभी कहा इसे क्या कहा जाता है? प्रशासनिक इकाइयाँ। तो जब आप प्रांतीय प्रशासन लिखते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन प्रशासनिक इकाइयों को ही बताना है कि मौर्यकालीन जो पूरा प्रशासन था, जो पूरा जो इनका स्प्रेड था, जो विस्तार था मौर्य शासन का, वो किस तरह से प्रशासनिक इकाइयों में बटा था, बड़े से छोटे में, यानी पूरा राज्य जो है वो किस में बटा था। जैसे कि आज राष्ट्र, राज्य, संभाग, जिला, तहसील, शहर और गांव होते हैं, इसी तरह से मौर्य काल में किस तरह की प्रशासनिक इकाइयां थी, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन में आपको इस पर फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पर आया है, पूरा जो मौर्य शासन था वो चक्रों में डिवाइडेड था, चक्र जो है प्रांतों को बुलाया जाता था, जैसे वर्तमान के राज्य होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहेंगे ना इंडिया कई सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, ऐसे ही पूरा मौर्य शासन जो है वो कई सारे प्रांत में डिवाइडेड था, जिसको चक्र कहा जाता था। चक्र जो है वो कई मंडल में डिवाइडेड थे, मंडल के अंदर होते थे जिले,
जिले कई गांव में डिवाइडेड थे, लेकिन एक जो इकाई है वो 10 गांव की है। वैसे अगर आप देखेंगे तो एक चक्र, ठीक, चक्र, उसके अंदर फिर जिला, सॉरी मंडल, फिर उसके अंदर जिला और उसके अंदर गांव, इस तरह से चार इकाइयां थी, ठीक है। तो हालांकि चक्र, मंडल, जिला और गांव, ये चार इकाइयां थी, बड़े से छोटे तक, गांव सबसे छोटा और चक्र सबसे बड़ा। लेकिन जो गांव हुआ करते थे ना, इनके समूहों को भी कुछ ना कुछ नाम दिया गया, जैसे कि ये 10 गांव, ऐसे ही 100 गांव, 200 गांव, 400 गांव के भी समूह बना दिए गए और वहां पर भी एक एक हेड बना दिया गया, ताकि थोड़ा सा जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कार्यों का विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो इकाइयों में तो आप चक्र, मंडल, जिला और गांव याद रखिए, ठीक, लेकिन जो समूह है उसको भी मैं बता देती हूँ कि 10 गांव को, 100 गांव को, 200 गांव को क्या बोला जाता, ठीक है, उसको मैं बताती हूँ। पहले ये देख लीजिए कि इन इकाइयों पर जो प्रमुख बैठाया जाता था उसका नाम क्या था। चक्र का प्रमुख होता था कुमार या आर्यपुत्र, ठीक है, राजा। उसके अंदर, उस राष्ट्र के अंदर जितने भी चक्र होंगे, उस एक एक चक्र का जो हेड होता था उसे हम कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। चक्र के अंदर मंडल जो होता था, मंडल का प्रमुख प्रदेष्टा कहा जाता था। जिला जो है उसका प्रमुख स्थानिक कहा जाता था, और गांव जो है इसका प्रमुख ग्रामिक कहा जाता था। वैसे ही अगर हम 10 गांव के समूह की बात करें तो उसके हेड को गोप कहा जाता था। गोप काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, इसलिए मैंने यहीं पर आपको बता दी, ठीक है। तो कुमार, प्रदेष्टा, स्थानिक और ग्रामिक, ये प्रशासनिक इकाइयों के बढ़ते से घटते क्रम में जो प्रमुख हैं उनके नाम, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो गांव के जो ग्रुप्स थे उनको क्या क्या बोलते थे। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो 10 गांव होते थे उसी के जैसे गांव को और ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। 10 गांव को संग्रहण बोलते थे, संग्रहण, ठीक है। मैंने कहा ना कि भाई चक्र, मंडल, जिला और गांव, फिर गांव के बहुत सारे, गांव और जिले के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुपिंग होती थी गांव की। तो 10 गांव जो है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 10 गांव को संग्रहण बोलते थे। फिर 10 के अलावा इससे ऊपर होता था 200, 200 के ऊपर 400 और उसके बाद 800 गांव। तो जो 200 गांव हुआ करते थे उसके ग्रुप को बोला जाता था खारवटिक। 10 गांव के ग्रुप को संग्रहण बोलते थे, 200 गांव के ग्रुप को खारवटिक बोलते थे, 400 गांव जो थे उसके ग्रुप को द्रोणमुख, द्रोणमुख, ठीक है। खारवटिक 200, द्रोणमुख 400 और 800 गांव जो था उसके जो ग्रुप थे उसको हम स्थानीय बोलते थे, स्थानीय, ठीक है। तो इस तरह से सबसे छोटा गांव, गांव के ऊपर 10 गांव का समूह संग्रहण, उसके बाद फिर 200 गांव का समूह खारवटेक, फिर 400 गांव का समूह द्रोणमुख, उसके बाद 800 गांव का समूह स्थानीय, फिर होता था जिला, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुपिंग भी होती थी। वैसे तो चार इकाइयां, लेकिन आप इसमें चार को और ऐड कर दीजिए तो फिर वो जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो आठ हो जाएंगी, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रांतीय प्रशासन। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो पूरा जो मौर्य शासन था वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। ये मैप देखिए, करीब 265 ईसा पूर्व में ये है पूरे मौर्य शासन का विस्तार। आपको पहले भी बताया था मैंने कि मौर्य शासन जो है उसका जो स्प्रेड था, उसका जो विस्तार था, वो वर्तमान में जो भारत की सीमाएं हैं उससे भी ज़्यादा था। आप देख सकते हैं कि करीब करीब पूरे दक्षिण भारत तक के, ये पूरा जो ब्लू से हाइलाइटेड है यही है मौर्य शासन का विस्तार। करीब करीब पूरे दक्षिण भारत तक के इसका विस्तार है। उत्तर तो पूरा है ही, पूर्व तो पूरा है ही, पश्चिम तो पूरा है ही। उत्तर पश्चिम में देखो आप, वो पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला पूरा जो एरिया है ये भी मौर्य शासन के अंतर्गत था। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज है, ये अक्वायर्ड टेरिटरी थी। याद है हमने चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ा था कि सेल्यूकस और मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें अराकोशिया, जेड्रोशिया और पेरापेनिडेज, ये तीन जो क्षेत्र हैं वो सेल्यूकस से हासिल किया था मौर्य ने। तो उन तीनों के क्षेत्र को ही ये पूरे एरिया से डिस्क्राइब किया गया यहाँ पर, डिपिक्ट किया गया यहाँ पर। और ये एक्वायर टेरिटरी थी, ठीक है। ये सेल्यूकस द्वारा एक्वायर टेरिटरी के साथ ये जो वर्तमान आप देखेंगे, वर्तमान भारत से ये ज़्यादा बड़ा हिस्सा हो जाता है मौर्यकालीन विस्तार का, है ना। वर्तमान में ये पूरा एरिया नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा छोड़ दो तो कह सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि वर्तमान भारत की सीमाओं से भी बड़ी सीमाएँ मौर्य शासन की थी, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है
वो प्रांतों में डिवाइडेड था। इसको अगर हम छोड़ दें, सेल्यूकस वाला जो था उसको छठवां हिस्सा बना गया और इसकी जो राजधानी थी वो थी कपिशा। पैराकोशिया, ज़ेड्रोशिया और पैरापेंडेस जो था वो जो सेल्यूकस से एक्वायर किया था उसकी राजधानी इन्होंने कपिशा रखी थी। उसको एक अलग अगर हम रख दें तो यहाँ से यहाँ तक कि ये जो पूरा मौर्य शासन का विस्तार है इसके पांच प्रांत थे, पांच प्रांतों में डिवाइडेड था। एक उत्तरापथ, ठीक, एक दक्षिणापथ, एक सेंटर में अवंती, नॉर्थ में उत्तरापथ, दक्षिण में दक्षिणापथ, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सेंटर में अवंती, ठीक है। एकदम ईस्ट में जो है वो है कलिंग, और ये जो मेन राज्य जहाँ पे पाटलिपुत्र था इसको कहा जाता था प्राची, इसको गृह राज्य भी कहा गया, प्राची भी कहा गया। तो एक नॉर्थ, साउथ, सेंटर, ईस्ट, और इसको हम कहते हैं गृह राज्य। इनकी राजधानियाँ देखें तो उत्तरापथ जो एरिया था उसकी राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ जो एरिया था उसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, जो अवंती था उसकी राजधानी थी उज्जैन, लिखा है उज्जैनी। उसके अलावा जो कलिंग था उसकी राजधानी तोसली, और जो गृह राज्य था प्राची का उसकी राजधानी और पूरे मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। तो ये पांच चक्रों में मौर्य साम्राज्य विभाजित था। इसके साथ छठवां जो हिस्सा था वह सेल्यूकस द्वारा प्राप्त एरिया था जिसका जो कैपिटल था वो कपिशा था, ठीक है। तो ये है पूरा केंद्रीय प्रांतीय प्रशासन जो आपको समझना है ऑब्जेक्टिव और ख़ासतौर पर मेंस के पर्पज़ से तो ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रशासन के दूसरे पहलुओं में अब आ जाता है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन का जो उल्लेख है वो अर्थशास्त्र से ज़्यादा हमको जो प्रासंगिक मिलता है वो मेगास्थिनिस की इंडिका से मिलता है। काफ़ी व्यवस्थित था, काफ़ी उच्च कोटि का नगरीय प्रशासन था कहा जाता है। पूरा जो नगर हुआ करते थे, टाउन्स हुआ करते थे, उसके हेड को नागरिक कहा जाता था, नागरिक। और नागरिक जो अधिकारी होता था उसी के अंडर होते थे गोप और स्थानिक। आपने पढ़ा था ना कि 10 गांवों का जो हेड है वो स्थानिक, और उसके अलावा जो सॉरी 10 गांवों का जो हेड है वो गोप, और जो एक गांव का जो हेड है उसको ग्रामिक बोलते। तो जो ग्रामिक और गोप थे वो नागरिक जो पद है उसके अधीन ही हुआ करते थे, नागरिक उनको मैनेज किया करता था ग्रामिक और गोप को। तो कुल मिलाकर के एक टाउन है, टाउन के अंदर कई सारे गांव के जो समूह हैं, 10 समूह, 200 गांव के समूह, 400 के, 800 के, उनके जितने हेड्स हैं ना उनको ये नागरिक जो होता था नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी वही मैनेज किया करता था, ठीक है। नगर व्यवस्था अकॉर्डिंग टू मेगास्थिनीज इंडिका अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नगर पालिकाओं द्वारा रन की जाती थी, नगर परिषदें हुआ करती थी, इस ग्रुप होता था नगर के मैनेजमेंट के लिए। और उन्होंने मेगास्थिनिस ने कहा था कि 30 सदस्यों की 6 समितियाँ थीं, जैसे एक नगर है उसके प्रशासन के लिए 30 मेंबर्ड एक ग्रुप हुआ करता था जिनकी 5-5 मेंबर्स की 6 समितियाँ हुआ करती थी, ठीक है। ऐसे 5-5 मेंबर्स की 6 समितियों में डिवाइड कर दिया जाता था और हर एक समिति को अलग अलग कार्य सौंप दिया जाता था। नगरी प्रशासन जो है ये इसकी हर समिति को, किसी को सफाई, किसी को देखरेख, किसी को बाजार नियंत्रण, किसी को गृह निर्माण, इस तरह के जो नॉर्मल अभी आप देखते होंगे ना लोकल अर्बन्स एंड गवर्नमेंट जो होती है, नगर पालिकाओं के जो काम होते हैं लोकल लेवल पर, जिस तरह के कार्य आज वो करती है वैसे ही तकरीबन कार्य जो हैं ये लोग किया करते थे, ठीक है। तो ये समितियाँ थी, 6 समितियाँ कह सकते हैं कि नगर स्तर पर 6 विभाग में बांट दी गई थी जिनको अलग अलग कार्य सौंप दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेगास्थिनिस की इंडिका का ज़रूर उल्लेख करें क्योंकि ये पूरी व्यवस्था जो है वो उसी में दी गई है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट न्याय प्रशासन। ये अलग से छोटे मार्क्स में भी पूछ सकता है आपको या ये प्रॉब्लम्स में भी कई बार पूछा गया है। तो न्याय प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित था, काफ़ी उच्च कोटि का न्याय प्रशासन था इनका। हर स्तर पर न्यायालय हुआ करते थे, हर स्तर पर। अगर आप स्तर की बात करें तो सबसे ऊपर राजा का न्यायालय, और उसके बाद हर स्तर पर न्यायालय होने के बाद सबसे छोटे स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय भी। यानी आप देख सकते हैं न्याय व्यवस्था का पूरी तरह से विकेंद्रीकरण था, राजा भी था। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगी विकेंद्रीकरण का ये मतलब हुआ कि सबको इंडिपेंडेंट पावर्स थे, अंतिम निर्णय तो राजा ही लेता था, ठीक है। जैसे मान लो वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, वैसे ही कुछ यहाँ पर था। जितने आपने अभी प्रशासनिक इकाइयों के स्तर देखे ना, ग्राम, ग्राम के ऊपर संग्रहण, खरवटिक, द्रोणमुख, उसके अलावा स्थानीय, फिर जनपद, ग्राम, जिला, जो भी आपने देखा प्रांत, हर स्तर पर न्यायालय। तो सबसे छोटा ग्राम स्तर पर न्यायालय होता था, सबसे बड़ा न्यायालय राजा का,
राजा का न्यायालय अंतिम, आप हर स्तर पर अपने न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने केस को ले जा सकते हैं, वहाँ से न्याय से संतुष्ट नहीं तो ऊपर ऊपर जा सकते हैं और अंतिम में आप राजा के पास जा सकते हैं। राजा अपने से निचले सभी अदालतों के फैसले को रद्द कर सकता है और अपना नया फैसला ले सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से न्याय व्यवस्था थी। ठीक है, जिस तरह से इंटीग्रेटेड जुडिशियरी आज आप देखते हैं वैसा ही कुछ यहाँ पर था। ठीक, राजा और ग्राम इन दोनों स्तर के न्यायालयों को छोड़कर शेष सभी जो न्यायालय थे, संग्रहण वाला हो, खारवटिक वाला हो, द्रोणमुख वाला हो, जनपद वाला हो, बीच के जितने न्यायालय थे, ठीक है, वो सारे न्यायालय दो हिस्सों में बटे थे, धर्मस्थी और कंटकशुद्ध। क्या कहा मैंने, राजा का न्यायालय दो हिस्सों में नहीं बटा था, ग्राम न्यायालय दो हिस्सों में नहीं बटा था, बाकी मध्यस्थ लेवल के जितने भी न्यायालय थे उसके दो हिस्से थे, धर्मस्थी न्यायालय और कंटकशुद्ध न्यायालय। धर्मस्थी मतलब जो आप दीवानी न्यायालय कहते हैं ना सिविल कोर्ट इंग्लिश में, जो विवाह, उत्तराधिकार या जो सिविल मामले होते हैं उनको डील करने वाले कोर्ट्स होते हैं, वही वाला जो पार्ट था न्यायालय का वो धर्मस्थी, मतलब मौर्य काल का दीवानी न्यायालय धर्मस्थी और मौर्य काल का फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्राइम से रिलेटेड मामले के लिए कंटक शोधन था और सिविल मामले के लिए धर्मस्थी था। इनके जो हेड्स हुआ करते थे उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए, धर्मस्थीय का जो हेड होता था उसको धर्मस्थ या व्यावहारिक बोला जाता था। मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पर व्यावहारिक, इसे धर्मस्थ भी बोलते थे, धर्मस्थ या व्यावहारिक। एक धर्मस्थीय न्यायालय में तीन धर्मस्थ हुआ करते थे और साथ ही साथ उनको असिस्ट करने के लिए तीन अमात्य भी होते थे। ठीक है, तो ऐसा छह लोगों का ग्रुप होता था, लेकिन जो मेन हेड होते थे, खासतौर पर सिविल मामलों के एक्सपर्ट होते थे, ऐसे तीन जजेस होते थे आप कह सकते हैं, सिविल जजेस, जिनकी संख्या तीन थी। ठीक है, तो तीन धर्मस्थ हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे ही कंटक शोधन न्यायालय जो है उसके हेड को बुलाया जाता था प्रतिष्ठा, और हर एक कंटक शोधन न्यायालय में तीन प्रतिष्ठा हुआ करते थे। ठीक है, तो तीन तीन जजेस का ग्रुप होता था सिविल कोर्ट में भी और क्रिमिनल कोर्ट में भी। ठीक है, तो ये थी न्याय व्यवस्था। ठीक है, तो दैट इज इट, ये पूरा पार्ट है प्रशासन का। आपने केंद्र, पहले आपने साप्तांग थ्योरी पढ़ी, उसके बाद केंद्र प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन, न्याय प्रशासन। ठीक है, ये सभी चीज़ों से मार्क्स स्कोर करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। इन चीज़ों को स्किप ना करें, इससे अपने अपने आंसर्स बना कर रखें। ठीक, अब प्रशासन यहाँ ख़त्म होता है, अब हम अगले पहलू पर मूव करते हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट था ना, इसलिए इतना टाइम इसमें गया। अब जो है छोटे छोटे पार्ट्स को आपको शॉर्ट में डील करना है। अगला जो पार्ट है इसका वो है अर्थव्यवस्था। तो अब एक नज़र डालते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर कि क्या कुछ आपको इसमें पॉइंट्स ध्यान में रखना है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में भी कि कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, ये सारी बातें अर्थशास्त्र में ही लिखी गई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप दूसरे देखेंगे तो जो मुद्रा राक्षस है उसमें भी थोड़ी बहुत बातें इसमें की गई, विशाख दत्त की, कि कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्नतिशील थी, काफ़ी समृद्ध थी। ठीक है, पूरा जो मैनेजमेंट था इकोनॉमी का वो काफ़ी सुदृढ़ था, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में उसके नियम कायदे कानून लिखे गए थे। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था वार्ता। ठीक है, ये वार्ता शब्द का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। वार्ता तीन वर्ड्स के लिए एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया, वार्ता मतलब कृषि, पशुपालन, व्यापार। यानी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा कृषि पर, सेकंड में पशुपालन पर और तीसरे व्यापार पर आधारित थी। तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। हमेशा की जैसे मौर्यकाल में भी कृषि जो है वो सबसे प्रमुख स्रोत हुआ करता था अर्थव्यवस्था का, और जो कृषि होती थी उसी से मेन रेवेन्यू जनरेट होता था, उसी से मेन राजस्व की प्राप्ति होती थी। हालांकि जिस तरह से उपज हुआ करती थी उसके कंपैरिजन में जो राजस्व लिया जाता था कृषकों से वो काफ़ी कम होता था, यानी राजा बहुत ज़्यादा वसूला नहीं करता था उनसे, 1/4 से 1/8 या 1/6 तक ही वसूला करता था। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अगर कार्य होता था अर्थव्यवस्था में तो कृषि क्षेत्र में ही होता था, तो सबसे प्रमुख आधार कृषि ही। ठीक है, सेकेंड में पशुपालन, चारागाहों वगैरह की काफ़ी व्यवस्था थी, पशुओं के खरीदारी, पशुओं का देख रेख, इस पर हर चीज़ में प्रशासन का अच्छा खासा हस्तक्षेप था और मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग था। व्यापार की बात करें तो खासतौर पर जो फाइबर्स होते हैं, सूत कातने और बुनने के जो उद्योग होते हैं वो आधार था व्यापार और वाणिज्य का। ठीक है, तो ये तीन आधार
उसमें पहले अगर हम कृषि देखें तो मौर्य काल मुख्यतः कृषि प्रधान था, जैसे कि अभी मैंने कहा उस टाइम जितनी भूमियाँ होती थी कृषि के लिए उसे तीन हिस्सों में बांट दिया जाता था। कुछ भूमि थी जिसे कृष्ट भूमि कहा जाता था, जो जुती हुई भूमि होती थी, अकृष्ट भूमि बिना जुती हुई, और स्थल भूमि मतलब ऊंची भूमि या बंजर भूमि हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जुती हुई कृष्ट भूमि, अकृष्ट बिना जुती हुई, और स्थल भूमि बंजर भूमि। ठीक है, उसके अलावा और तरह की भूमियों के प्रकार भी आपको पढ़ने में आएंगे जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे। अदेव मात्रक क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो अदेव मात्रक ऐसी भूमि होती थी जहाँ बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि जहाँ बारिश की भी ज़रूरत नहीं है लेकिन वहाँ पे खेती काफ़ी अच्छी होती थी, उसको अदेव मात्र कहा जाता। सीता भूमि सरकारी भूमि, ठीक है, जितनी भी लैंड पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हुआ करता था उसी को सीता भूमि बोलते थे। और आपने वहाँ पे तीर्थों में अधिकारियों में पढ़ा था ना कि उसी का जो अध्यक्ष होता था उसी को हम कहते थे सीता अध्यक्ष, सरकारी भूमि का हेड। ठीक, उसके अलावा उस टाइम काश्तकारी वाला सिस्टम भी हुआ था, हुआ करता था, भूस्वामी भी होते थे, काश्तकार भी होते थे। जो भूस्वामी होते थे उनको क्षेत्रक बोला जाता था मौर्य काल में, और जो काश्तकार होते थे उनको उपवास बोला जाता था। ये सारी टर्मिनोलॉजीज अगर आप अपने आंसर में ऐड करेंगे तो आपके आंसर्स की वेटेज बहुत बढ़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, मार्क्स का वेटेज काफ़ी बढ़ेगा। तो कृष्ट अकृष्ट भूमि, अदेव मात्रक भूमि, सीता भूमि, क्षेत्रक भूमि, उपवास, ठीक है, सॉरी क्षेत्रक भूमि, क्षेत्रक और उपवास, ये सारे टर्म्स को आप ऐड करिए कि इस तरह से पूरी कृषि की व्यवस्था थी जो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करती थी। ठीक है, इसके अलावा कृषि में ध्यान में रखेंगे कि जैसे कि मैंने कहा भू राजस्व जो लिया जाता था वो काफ़ी कम था, 1/4 जो भी उपज होती थी उसका, या तो 1/6, और कहीं कहीं पर कुछ किताबों में 1/8 भी लिखा गया, काफ़ी कम है ना जो राजस्व लिया जाता था। उसके अलावा याद रखिएगा कृषि में प्रशासन काफ़ी अच्छे सिंचाई की फैसिलिटीज़ दिया करता था। मौर्यकालीन सिंचाई व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि मेगस्थिनी इंडिका में लिखते हैं कि शायद उस समय में कभी अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि सिंचाई के बहुत सारे साधन उपलब्ध थे, हाथों से, कंधों से पानी ले जा करके, यंत्रों से, उसके अलावा नदियों से, नहरों से, इन सभी तरीक़ों से जो है सिंचाई किया करते थे मौर्यकालीन कृषक। तो इस वजह से मेगस्थिनिस ने लिखा है कि सिंचाई बहुत अच्छी होती थी, इस वजह से कहीं ना कहीं कृषि काफ़ी अच्छी होती थी और उस समय कभी अकाल नहीं पड़ा। इंडिका में ये हमको तथ्य मिलता है सुनने को। हालांकि सिंचाई के बदले, सिंचाई फैसिलिटीज़ के बदले में सिंचाई कर लिया करता था प्रशासन, जिसे उदक भाग कहा जाता था, और ये उपज का 1/5 या 1/3 हिस्सा था, यानी बहुत नॉमिनल था। भू राजस्व भी काफ़ी कम था, सिंचाई कर भी काफ़ी कम था। ठीक, भू राजस्व और सिंचाई कर के अलावा कुछ और अगर हम राजस्व के स्रोत देखें, यानी जो कर वो लगाया करते थे अगर हम उनको देखें, तो हिरण या नकद राजस्व हुआ करता था। बलि मतलब नकद एनुअल टैक्स, जैसे हम एक एनुअल इनकम टैक्स पटाते हैं ना सरकार को, या फिर कंपनियां जो हैं वो एनुअल कॉरपोरेट टैक्स पटाती हैं, वैसे ही, मैं इसको कृषि से रिलेट नहीं कर रही, नॉर्मल जो टैक्सेशन हुआ करता था उसमें भू राजस्व और सिंचाई करके अलावा कौन कौन से टैक्सेस थे वो यहाँ पर एक लिस्ट में लिखे हुए हैं। नॉर्मल एनुअल टैक्स जो होता था उसे हिरण्य कहा जाता था। बलि धार्मिक कर को दिया जाता था, धार्मिक क्रियाकलापों पर वसूला जाता था। दुर्ग नगरों से प्राप्त आय होती थी। ब्रज पशुओं से प्राप्त आय होती थी। वर्तनी सीमा शुल्क हुआ करता था। प्रणय आपातकालीन कर हुआ करता था। ये सारे कर मौर्यकालीन राजकोष का हिस्सा बनते थे जो लोगों को पटाने पड़ते थे। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा कि कौन सा किससे रिलेटेड है। भू राजस्व हो गया, उदक भाग हो गया, और ख़ासतौर पर हिरण्य जो था वो मेन कर था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा बलि धार्मिक कर था, याद रखना है। बाकी आप एक बार रीडिंग भी कर लेंगे तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं। ये 3-4 कर के नाम आप ज़रूर याद रख लीजिए, ठीक है, जो राजकोष का हिस्सा बनते थे। ये हो गया। इसके अलावा अगर हम उद्योग यानी जो वार्ता का तीसरा हिस्सा था व्यापार वाणिज्य, उसके बारे में बात करें, तो अभी मैंने कहा कि उस वक्त जो उद्योग हुआ करते थे वो खासतौर पर सूत कातने और बुनने की हुआ करते थे। ज़्यादातर उद्योग जो हुआ करते थे वो फाइबर्स पर आधारित होते थे, रेशे पर आधारित होते थे, सिल्क पर और कॉटन पर। ठीक है, कृषि पर याद रखिएगा, कृषि से याद आया मुझे कि जो कृषि हुआ करती थी उसमें 5-6 मुख्य फसलें हुआ करती थी, गेहूं चावल मूंग तो होता ही था, उसके अलावा कपास होता था, उसके अलावा तिल होता था, और मोटे अनाज। ठीक है, ये 5-6 प्रोडक्ट्स की मेनली कृषि हुआ करती थी। तो इसमें से कमर्शियल कौन सी खेती हो गई, कपास की। तो बस वो कपास कृषि का भी मेन
प्रोडक्ट हो गया और उद्योगों का भी मेन प्रोडक्ट हो गया। खासतौर पर अगर हम कुछ उद्योग देखें तो वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस थे इस समय के, काशी के, बंग के, पुंडर के, इन एरियाज़ के सूती वस्त्र के उद्योग काफ़ी फेमस थे। मलमल वस्त्र के उद्योग बंग में काफ़ी फेमस थे। रेशम वस्त्र के उद्योग काशी और पुंडर में काफ़ी फेमस थे, जो ब्रैकेट में है ये एरियाज़ के नाम है। और ये सूती, मलमल, रेशम वो टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, उद्योग का मेन आधार वस्त्र के उद्योग थे, ठीक है, वो भी रेशे वाले। साथ ही साथ व्यापार वाणिज्य में एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस समय दो प्रमुख बंदरगाह थे, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया करते थे। एक बंदरगाह पूर्वी तट पर था, एक पश्चिमी तट पर था, हाँ भारत के उत्तरी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में नहीं। तो पूर्वी तट पर अगर आप देखेंगे तो ताम्रलिप्ति था, बंगाल वाले एरिया में, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। और पश्चिमी तट में अगर आप देखेंगे तो भिगरुकक्ष, ये दोनों पूर्वी पश्चिमी बंदरगाहों के नाम याद रखिएगा, ताम्रलिप्ति और भिगरुकक्ष। जो व्यापार हुआ करता था उस समय मुद्राओं का प्रचलन था। मुद्राओं में आपने अशोक में ही पढ़ा था कि काफ़ी सारी स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, चांदी की मुद्राएं, तांबे की या कांसे की मुद्राएं प्रचलन में थी। उन्हीं के नाम यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिए, कर्षापण, कांकड़ी, सुवर्ण, शतमान, ठीक है, ये चार पाँच मुद्राओं के जरिए व्यापार वाणिज्य किया जाता था, ठीक। तो ये वार्ता से रिलेटेड इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य कौन से कर लिए जाते थे, कृषि में किस तरह की भूमियाँ हुआ करती थी, उद्योग का आधार किस तरह के उद्योग हुआ करते थे, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अर्थव्यवस्था का दूसरा पार्ट बोल रहे हैं आप, या इस पार्ट को आप राजस्व प्रशासन में भी ऐड कर सकते, जब आप प्रशासन लिख रहे हैं तो वो है राजस्व। राजस्व आप इसको अर्थव्यवस्था में भी याद रखो, अगर आपको प्रशासन में बड़ा आंसर लिखना है तो उसमें भी आप राजस्व प्रशासन का एक अलग से टॉपिक करके इसको यहाँ पर लिख सकते हो। राजस्व यानी इनकम जो हो रही है गवर्नमेंट की, यानी सरकार की, राजकोष में जो भी आय आ रही है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में उन्होंने लिखा है कि राजकोष राज्य का आधार स्तंभ था, ये मैंने सप्ताह थ्योरी में बोला था, आधार वही है, ठीक है। और कौटिल्य ने कहा है कि राजकोष के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो समाहर्ता है और सन्निधाता, इन दोनों के नाम अपने पहले भी तीर्थों में पढ़े हैं। समाहर्ता जो है वो राजस्व विभाग का प्रमुख, और सन्निधाता जो है ट्रेजरर होता था यानी कोषाध्यक्ष। ये दोनों का ही मेन काम था राजकोष की देखभाल करना, ठीक है। और यही वो विभाग है जो पूरे करों की वसूली करता है, चाहे वो भू राजस्व हो, चाहे वो हिरण्य हो, या वो दग भाग हो, या जितने करों का उल्लेख अभी मैंने किया, ठीक, ये एक पार्ट याद रखिएगा। कौटिल्य ने पूरा जो वार्षिक जो सॉरी राज जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष का अंत आषाढ़ माह में रखा है, याद रखना। उनका ये कहना था कि जो एक वित्तीय वर्ष है वो आषाढ़ माह में ख़त्म होता है। उसके अलावा राजस्व व्यय जो होता है उसको उन्होंने दो हिस्से में बांटा, एक आवर्तक व्यय और एक अनावर्तक व्यय। आवर्तक मतलब दिन प्रतिदिन का व्यय, उसका अलग से लेखा जोखा। अनावर्तक व्यय मतलब वार्षिक, यानी एक प्लानिंग डे टू डे लाइफ का जो एक्सपेंडिचर होता था किंगडम का उसके लिए बनाई जाती थी, वो आवर्तक व्यय में रख दिया जाता था। और अनावर्तक में जो वार्षिक होता था वैसी प्लानिंग रखी जाती थी कि वार्षिक क्या क्या व्यय है। और इन सभी चीज़ों का, चाहे आवर्तक हो चाहे अनावर्तक हो, हर तरह के आय और व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए महालेखापाल या लेखाधिकारी का भी एक पद बनाया था, जो आपने तीर्थों में या अध्यक्षों में देखा था, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़, सुव्यवस्थित, उच्च कोटि की राजस्व व्यवस्था या राजस्व प्रशासन था मौर्य काल का। इन्होंने करों के आधार पर जितने गांव हुआ करते थे उनको इन छह कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, करों के आधार पर कि वो गांव किस तरह से कर देंगे, किस तरह से उनसे कर वसूला जाएगा। पारिहारिक कुछ ऐसे गाँव हुआ करते थे जिनको कर मुक्त रखा गया था, ठीक है, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, नो टैक्स। हिरण्य वो गांव हुआ करते थे जहां से स्वर्ण के फॉर्म में, स्वर्ण मुद्राओं के फॉर्म में टैक्स वसूला जाता था। आयुधीप वो हुआ करते थे जो कर के बदले सैनिक दिया करते थे, या कर जो है सैनिकों के रूप में दिया करते थे, यानी इन लोगों को जब कर पटाना रहता था तो इनके गांव से ये लोग सैनिक प्रोवाइड किया करते थे प्रशासन को। कुप्पे जो होते थे वो कच्चे माल के फॉर्म में कर पटाया करते थे, ठीक है, कच्चा माल देते थे किसी मुद्रा के जगह पर। विष्टि जुआ करते थे, ये मजदूर दिया करते थे, मजदूर, ठीक है, करों की जगह ये अपने गांव से मजदूर दिया करते थे। और कर प्रतिकर जो है ये दूध, घी और चमड़ा,
इसके फॉर्म में कर पटाए करते थे। क्या बता रही हूँ मैं, गांवों को कर किस तरह से वो गांव पटाएंगे इसके आधार पर 600 में वर्गीकृत किया गया। परिहारिक जो गांव थे उनसे कोई कर वसूला नहीं जाता था। हिरण्य जो गांव थे वो स्वर्ण मुद्राएं देती थी। आयुधीप जो है वो सैनिक देते थे कर के फॉर्म में। कुप्पे जो है वो कच्चे माल देते थे। विष्टि गांव जो है वो मजदूर दिया करते थे। और कर प्रतिकर जो गांव आते थे, जो भी गांव इस कैटेगरी के अंदर आते थे, उनको दूध, घी या चमड़ा, जाहिर सी बात आपको समझ में आ रहा होगा उनका जो व्यवसाय हुआ करता था उस पर आधारित ये कर पटाया करते थे। हर कोई मुद्राओं के फॉर्म में नहीं दिया करता था। ठीक है, तो ये है राजस्व प्रशासन। ठीक है, आवर्तक, अनावर्तक, व्यय, आषाढ़, मामी, वित्तीय वर्ष का अंत, ये सभी चीज़ें आप याद रखें, ये दोनों हेड्स का नाम याद रखें। और राजस्व जो है वो प्रशासन का आधार स्तंभ है। ये पूरा जो सिस्टम है अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के हिसाब से याद रखें। ठीक, तो यहाँ होता है आपका ख़त्म अर्थव्यवस्था वाला पाठ। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको अर्थव्यवस्था में याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे समाज। ठीक, अब ये देखो ना, ये इंपॉर्टेंस लेवल के हिसाब से मैं उसमें जा रही हूँ, ज़्यादा से कम है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रशासन है मौर्य काल में, फिर अर्थव्यवस्था है, फिर समाज है, फिर कला है। ठीक है, तो अब हम समाज देखते हैं। इसका भी आधार जो है वर्षशास्त्र, इंडिका या अशोक के अभिलेख हैं। इसमें खासतौर पर अगर मेगस्थनीस के अनुसार देखें तो इन्होंने समाज को इंडिका में 7 जातियों में, इन्होंने जाति प्रथा के बारे में कहा है, मेगस्थनीस कहा है कि जाति प्रथा थी, और उन्होंने कहा कि मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या तो जो होती थी वो कृषकों की ही होती थी। ठीक है, ये जो किसान लिखा है सबसे ज़्यादा यही हुआ करते थे। बाकी किसान के अलावा ये 6 और जातियाँ होती थी। और समझ में आ रहा है कि व्यवसाय के हिसाब से ये जो है जातियाँ होती थी। तो याद रखना, इन जातियों का जो उल्लेख है हमको मेगस्थनीस की इंडिका में मिलता है। कौटिल्य के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार थी। इस टाइम में भी कास्ट सिस्टम नहीं बोल सकते आप, पर जो वर्ण सिस्टम था उसके हिसाब से पूरा समाज बटा हुआ था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का भी उल्लेख किया है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इस समय दास व्यवस्था भी थी। हालांकि मेगस्थनीस ने अपने इंडिका में दास प्रथा का को नकारा है या उसका कोई उल्लेख नहीं किया। उनके अनुसार कोई स्लेवरी नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने कहा है कि दास हुआ करते थे और 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। ठीक है, और इन्होंने नकारा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। मेगस्थनीस बोला नहीं है और कौटिल्य ने बोला थे, 9 तरह के दास थे। तो एक तो आपको मेगस्थनीस की 7 जातियाँ याद रखनी है। कौटिल्य के अनुसार वर्ण आश्रम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हिसाब से बटा हुआ था समाज, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट, दास व्यवस्था पर दोनों की जो विचार है उसमें विभेद था, ये आपको याद रखना है। चौथा, वेश्यावृत्ति को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, हालांकि वेश्याओं से कर वसूलने की बात अर्थशास्त्र में कहते हैं कौटिल्य कि उनसे कर वसूला जाएगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण प्राप्त था। वो वेश्यावृत्ति जो उस टाइम वैलिड थी, और उस पूरे डिपार्टमेंट को हेड करने वाला जो अध्यक्ष होता था उसको गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे जब हम मौर्यकालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे, खासतौर पर स्त्रियों के, रूपजीवा, रूपाजीवा, अनिष्कासिनी, छंदवासिनी। ठीक है, ये खास तौर पर कुछ स्त्रियों को संज्ञा दी गई कि किस तरह की स्त्रियों को रूपाजीवा बोलते थे, अनिष्कासिनी बोलते थे। आप समाज पढ़ रहे हैं ना, तो आपको जाति व्यवस्था, स्त्रियों की पोजीशन, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो रूपाजीवा, अनिष्कासिनी, छंदवासिनी, तो रूपाजीवा जो हुआ करती थी वो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को बोला जाता था। छंदवासिनी जो होती थी वो कुछ विधवाएं होती थी जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, उनको बोला जाता था। ठीक है, तो रूपाजीवा वेश्याओं को बोला जाता था, छंदवासिनी कुछ विधवाओं को बोला जाता था, अनिष्कासिनी संभ्रांत परिवार की जो औरतें हुआ करती थी वो अक्सर घर के अंदर आ करती थी, उनको अनिष्कासिनी कहा जाता था। दीज टर्मिनोलॉजीज जो हैं, ये टर्मिनोलॉजीज आपको एग्जाम में मार्क्स फेच करने में आसान मतलब फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स जो इनको बताने के लिए उस समय के अर्थव्यवस्था समाज को बताने के लिए जो यूज़ किए गए, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके आंसर का वेटेज बढ़ता है। साधारण शब्दों की जगह आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें कि भाई ऐसा 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 संज्ञा इनको दी जाती थी। तो आपने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में समाज में बताया। ठीक है, वेश्यावृत्ति पर खास फोकस किया, किस तरह की स्त्रियों को क्या कहा जाता था वो भी कहा। तो ये पूरा पार्ट समाज में, साथ ही साथ समाज का एक पार्ट होता है धर्म। धर्म अलग से भी आपको पूछ सकता है, धर्म को जब आपको समाज पूछ रहा है सामाजिक व्यवस्था, तब उसमें आप धर्म को भी डाल सकते हैं। तो धर्म का भी जो उल्लेख है वो आपको हर गिक में मिलता है, मेगस्थनीस की इंडिका में भी और अर्थशास्त्र में भी। कौटिल्य ने जो प्राचीन धर्म मौर्यकाल में था उसको त्रयी कहा है, त्रयी।
और उन्होंने कहा कि मौर्यकालीन समाज में वैदिक धर्म प्रचलित था, लेकिन जो भी धार्मिक कर्मकांड हुआ करते थे वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों तक ही लिमिटेड थे, सीमित थे। वैदिक धर्म था तो इसका मतलब ये नहीं कि निचले जितने आपके वर्ण हैं या निचले जितनी आपकी जातियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं कर्मकांड करने की अनुमति थी, ऐसा नहीं था। सिर्फ ब्राह्मण क्या करते थे और क्षत्रिय क्या करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़, त्रयी नाम से धर्म को संबोधित किया अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने। मेगस्थिनिस ने कहा कि बहुत ज़्यादा समाज में धार्मिक मामलों में दो तरह की देवताओं की चर्चा हुआ करती थी, एक थे डायोनीसस और दूसरे थे हेराक्लीस। डायोनीसस की पहचान बाद में शिव के रूप में की गई, शिव, और हेराक्लीस की पहचान कृष्ण के रूप में। तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी शैव धर्मावलंबी थे और वैष्णव धर्मावलंबी थे, क्योंकि डायोनीसस मतलब शिव और हेराक्लीस मतलब कृष्ण, ये इंडिका कहता है, ठीक है। उसके अलावा नाग पूजा, मूर्ति पूजा जैसी पूजाएँ जो आज भारत के समाज में होती हैं ये भी उस समय प्रचलित थी। तो धर्म एक आपने एंगल जोड़ दिया समाज में, जाति व्यवस्था, वेश्यावृत्ति, उसके अलावा जो वर्ण व्यवस्था है वो, ठीक है। इस तरह से आप पूरे सामाजिक परिदृश्य को पोर्ट्रे कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, मैंने कहा ना इंपॉर्टेंस लेवल से अब ये घट रहा है, प्रशासन सबसे इंपॉर्टेंट, फिर अर्थव्यवस्था, फिर समाज, फिर कला, ठीक है। सो दैट इज इट, ये हो गया समाज, आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है वो है कला, ठीक है। मौर्यकालीन कला जो है, अगेन क्योंकि मौर्यकाल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल एक वंश था, बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल वो टाइम पीरियड था, तो आप उसको प्रशासन बोलें या कला, हर चीज़ जो है वो समृद्ध थी। हर चीज़ की तारीफ ही की है इतिहासकारों ने और उसमें कला की भी तारीफ होती। कहा जाता है कि मौर्यकालीन कला के पहले जितने वंश हुए, मौर्यकाल से पहले जितने वंश हुए, उस समय एक तरह का अंधकार युग चला था कला के क्षेत्र में, लेकिन मौर्यकाल ने कला को फिर से, कला का फिर से उत्थान किया। तो कई नए तरह की कलाकृतियाँ, कई नई तरह की कलाओं का जो उद्गम है वो मौर्यकाल में हुआ था, ठीक। तो इतिहासकार कहते हैं तो मौर्यकालीन जो कला है, अगर आप इसमें हायरार्की में देख सकते हैं इसको, तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम मौर्य कला, एक तो राजकीय कला, दूसरा लोक कला। मैं पहले ही आपको अभी बता चुकी हूँ कि मौर्य कला का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि कई विद्वान तो कहते हैं कि भारतीय कला का जो उद्गम हुआ, जो विकास हुआ, वो मौर्य काल से हुआ। इसके पहले इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी जो काल था, सिंधु घाटी का, उस समय की कलाकृतियों के बाद अगर कोई ऐसा काल था जिसकी कला काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय, तो वो मौर्य काल है। इस बीच का पूरा जो टाइम पीरियड उसे अंधकार युग कहा जाता है, और विद्वान का माने हम, विद्वानों की माने हम, तो मौर्य काल से ही भारतीय कला की शुरुआत होती है ना, तो ये इंपॉर्टेंस है इसका, याद रखिएगा। तो मौर्यकालीन कला एक तो राजकीय कला और दूसरी लोक कला में विभाजित की जाती है। राजकीय कला के अंतर्गत चार तरह की कलाकृतियाँ आती हैं, नगर, स्तूप, गुफाएँ और स्तंभ, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर आप जानते हैं कि अशोक के काल में ही ज़्यादातर ये कला का विकास हुआ था। उसके अलावा लोक कलाएँ जो उसमें मूर्तियाँ थी, खासतौर पर ये लोग यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ बनाते थे, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। मूर्ति कला भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, काफ़ी चमकदार मूर्तियाँ बनाया करते थे ये लोग, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपको जो फोकस करना है वो इन पर करना है जो राजकीय कला थी। अगर हम सबसे पहले नगर की बात करें तो आपने अशोक में ही पढ़ा था कि अशोक ने कई सारे नगरों का निर्माण करवाया था। जैसे आपने पढ़ा है कि कश्मीर में उन्होंने श्रीनगर का निर्माण करवाया था, उसके अलावा नेपाल में ललित पट्टन नगर का निर्माण करवाया था। तो ये जो नगर हैं काफ़ी भव्य हैं, उस समय के हिसाब से, अपने समय से काफ़ी आगे का इनका निर्माण दिखता है। अब पाटलिपुत्र की ही अगर बात कर लें, पाटलिपुत्र जो शहर है उसकी भव्यता के बारे में मेगस्थिनीस ने और कई इतिहासकारों ने काफ़ी कुछ लिखा है। मेगस्थिनीस लिखते हैं कि पाटलिपुत्र जो है उस, वो एक तरह से समानांतर चतुर्भुज ने पैरेलल क्वाड्रिलेटरल टाइप का इसका एक शेप हुआ करता था, जिसके चारों तरफ लकड़ी की दीवारें होती थी और लकड़ी की दीवारों में छेद हुआ करते थे ताकि तीर चलाया जा सके। और उस पूरे नगर के बीचों बीच में हुआ करता था राजा का राज प्रसाद या महल, ठीक है। तो देखो ये जो राजप्रसाद है, कुम्हरार लिखा है, एक्चुअली पाटलिपुत्र के पास में कुम्हरार नाम का गांव है, वहाँ पे एग्जैक्टली वो पाटलिपुत्र का राजमहल था। तो कुम्हरार का जो राजप्रसाद है वो राजकीय कला का पहला उदाहरण है और काफ़ी भव्य ये राजप्रसाद है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल है,
चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है ये, और पहला उदाहरण है मौर्यकालीन कला का जिसका सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भी किया और काफ़ी कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी किताबों में किए। काफ़ी भव्य महल था कहा जाता है ये। फाहयान जो बाद में आए थे उन्होंने तो कहा था कि इसको देख कर ऐसा लगता है कि जैसे किसी इंसान ने नहीं, देवताओं ने इस महल को बनाया है। ठीक, कुछ विद्वानों ने कहा कि उस वक्त के एशिया के सूसा और एक बेतन के जो महल हुआ करते थे, काफ़ी प्रसिद्ध और शानदार महल हुआ करते थे एशियाई शासकों के, ये सूसा और एक बेतन के महलों से भी ज़्यादा भव्य और शानदार था। ठीक है, डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको किताबों में इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्तंभ थे, करीब करीब 40 पिलर्स का आपको ये महल मिलेगा कि 40 पिलर्स मिले हैं जिसमें पूरा महल खड़ा था, मतलब उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस तरीके से ये बना था। ठीक, तो नगर, नगर में खासतौर पर राजप्रसाद यानी महल का जो कलाकृति है वो आपको याद रखनी है। ठीक, उसके अलावा अगर आप देखें गुफा, सेकंड में हम देख लेते हैं गुफा। आपने अशोक के टाइम पे ही पढ़ा था कि उनके पिता जो थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे और अशोक ने अपने पिता के जो फॉलोअर्स थे, या मैं कहूँ पिता जिस कम्युनिटी को फॉलो करते थे उनके जो दूसरे फॉलोअर्स थे, उनके लिए बाराबर की पहाड़ियों में कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो एक नई तरह की आप कह सकते हैं कला इस टाइम डेवलप हुई और वो था गुफाओं का निर्माण। तीन चार गुफाएं अशोक ने बनाई थी उड़ीसा के बाराबर की पहाड़ियों में, सुदामा, कर्ण चौपाल, विश्व की झोपड़ी, ये सब आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर्स के लिए उन्होंने बनाई थी। फिर बाद में बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उन्होंने उस गुफाओं का इस्तेमाल करना शुरू किया। काफ़ी चमकदार गुफाएं हुआ करती थी ये, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि वर्थ मेंशनिंग था इनकी कला में। ठीक है, तो अशोक की बाराबर की गुफाओं में जो तीन खासतौर पर गुफाएं, कर्ण चौपाल, सुदामा और विश्व की झोपड़ी, उनका नाम याद रखें। गुफाओं में अशोक के अलावा अशोक का जो पोता था दशरथ ने भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं बनाई इतिहास में। नागार्जुनी की गुफा आपने जो सुनी होगी वो दशरथ ने ही बनाई है। तो बाराबर की गुफा अशोक ने बनाई, नागार्जुनी की जो गुफाएं वो दशरथ ने बनाई, इनको आप मेंशन करेंगे जब गुफा की कला के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा स्तूप सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय, अगर मौर्यकालीन कला में कोई इमारत होती है तो वो स्तूप है। उल्टे कटोरे के आकार की ठोस गुंबद हुआ करते थे ये स्तूप, जो कि पत्थरों से या ईंटों से बनाया करते थे, जिसमें गौतम बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखा करते थे। बौद्ध धर्म में आपने ये पढ़ाई है कि स्तूप जो है गौतम बुद्ध के मृत्यु का कहीं ना कहीं प्रतीक है, और क्योंकि अशोक गौतम बुद्ध का फॉलोअर था इस वजह से उसने कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो स्तूप अपने आप में, स्तूप की पूरी कलाकृति को आप डिटेल कर सकते हैं पर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत बड़े मार्क्स का ये आएगा नहीं। ठीक है, स्तूप अपने आप में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मौर्यकालीन कला का। ठीक है, पहला उदाहरण नगर का राजप्रसाद और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो स्तूप स्तंभ, नया उदाहरण गुफा सब। ठीक है, और सबसे उत्कृष्ट स्तूप और स्तंभ। ठीक, तो स्तूप में आप इन सारे स्तूपों का मेंशन कर सकते हैं जो अशोक ने बनवाए थे, सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, भरूत का स्तूप और तक्षशिला का स्तूप। ठीक है, ये सारे जो है बौद्ध धर्म को समर्पित स्तूप थे, ये यहाँ की विशेष, इस शासनकाल की कला की विशेष पहचान थे। ठीक, और उसके अलावा फिर अशोक के स्तंभ, आप जानते हैं करीब करीब 20 स्तंभ उन्होंने बनवाए थे जो कि आप कह सकते हैं अशोक के खासतौर पर काल के कला के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण थे। ये सारे स्तंभ मौर्यकालीन जो प्रशासन, कला, अर्थव्यवस्था उसकी जानकारी के भी आधार हैं क्योंकि इन स्तंभों के ऊपर उन्होंने अभिलेख भी लिखवाए थे। ये जो स्तंभ हुआ करते थे करीब 40 से 50 फुट के हुआ करते थे, ये बलुआ पत्थरों से बनाया करता था और उसमें कई बार ये अपने अभिलेखों को उकेरा करता था। ठीक है, तो 40 से 50 फुट के बलुआ पत्थर के स्तंभ हुआ करते थे, लेकिन वो दिखने में ऐसा लगते थे जैसे कि तांबे के। कई हिस्टोरियंस कंफ्यूज हो गए, लगा उनके कि ये तांबे के बने हुए, मेटेलिक दिखता था वो, इतना अच्छी फिनिशिंग हुआ करती थी उनकी। ठीक है, तो ये याद रखिए इसके तीन हिस्से हुआ करते थे, जो एक स्तंभ होता था उसमें एक होता था शाफ्ट, ठीक है, एक होता था कैपिटल और एक होता था एबाकस। मतलब शाफ्ट मतलब मुख्य स्तंभ, कैपिटल मतलब घंटाकृति
और अबैकस मतलब शीट स्थल, जिसमें अबैकस में एनिमल्स भी हुआ करते थे। आपने सारनाथ का तो स्तंभ देखा ही होगा, ठीक है, उसके तीन हिस्से, एक शाफ्ट यानी जो मुख्य स्तंभ है, उसके ऊपर कैपिटल मतलब घंटाकृति बनी रहती थी, और उसके बाद शीर्ष भाग या अबैकस बोलते थे। ये तीन हिस्सों में पूरे स्तंभ बने रहते थे बलुआ पत्थरों से, और उसी में ये अभिलेख उकेरा करते थे। और जैसे कि सबको पता ही है कि अक्सर एकाश में होते थे, यानी मोनोलिथ, यानी एक ही पत्थर को तराश करके ये पूरे स्तंभ बनाया करते थे, जो उसकी खास बात थी। सबसे फेमस है सारनाथ का स्तंभ, जहाँ से हमारा नेशनल एम्बलम भी लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल आपको बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस लेवल के हिसाब से डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। याद रखिए, प्रशासन सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने बहुत डिटेल उसके बारे में बताई। कला में अगर आप इतनी चीज़ें भी मेंशन कर देंगे ना, तो भी चलेगा, ठीक है। कौन कौन से नगर बनाए एग्जाम्पल दे दो, कौन कौन से स्तूप एग्जाम्पल दे दो, गुफा एग्जाम्पल दे दो, स्तंभ एग्जाम्पल दे दो। मूर्तियाँ बनाते थे तो वो लोक कला के अंतर्गत आती थी, जो आम लोगों से रिलेटेड होती थी, राज के प्रशासन में नहीं बनती थी, ठीक है, राज के नियंत्रण में नहीं बनती थी। तो ज़्यादातर यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ ये लोग बनाया करते थे। सबसे पहला उदाहरण नगर कला का, सबसे नया उदाहरण गुफा, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे उत्कृष्ट स्तूप और स्तंभ, ठीक है। दैट इज़ इट। इन एग्जाम्पल्स के साथ आप इस तरह से कला को एक्सप्लेन कर दीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस में नहीं आने वाले। इतना भी अगर आप जानेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में, तो काफ़ी होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। सो दैट इज़ इट विद दी मौर्यन डिनेस्टी। मौर्यकाल अब जाकर यहाँ ख़त्म होता है। एक हिस्से में अपने राजाओं के बारे में पढ़ा, दूसरे हिस्से में मौर्यकाल के ये दूसरे पहलुओं पर आपने नज़र डाली। होप आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई हों। कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बन सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। देखिए, हमने जो सेकंड लेक्चर पढ़ा था मौर्यकाल का, जिसमें हमने मौर्यकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, कला इत्यादि को देखा था, आप ये पहले तो समझ लें कि वो पूरा मेंस ओरिएंटेड ही था। इन चीज़ों पर आप सभी जानते हैं, जो लोग मेंस दे रहे हैं वो सभी जानते हैं कि प्रिलिम्स में उन पार्ट्स पे से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं। तो जो चीज़ें हमने उसमें पढ़ी वो ख़ासतौर पर मेंस के लिहाज से ही इम्पॉर्टेंट थी। तो न्याय व्यवस्था में मैंने आपको जो 4-5 पॉइंट्स बताई थी कि इसमें किस तरह के न्यायालय होते हैं, किन स्तरों पर न्यायालय होते हैं, ग्राम के स्तर से लेकर राजा के स्तर तक के न्यायालय होते हैं। बस ग्रामीण और राजा का न्यायालय दो हिस्सों में नहीं बटा रहता, बल्कि इसके उसके अलावा जो मध्य स्तर के जितने भी न्यायालय होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, धर्मस्थी और कंटक शोधन, ठीक है। और उसके बाद में जो डिटेल्स बताई थी कि उसमें कितने अधिकारी होते हैं, ये सारी बातों को आपको इसमें उल्लेखित करना है। ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और ये 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एलेबोरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक। मौर्यकाल की जानकारी के स्रोतों का उल्लेख करें, 2 मार्क्स में कभी पूछा भी गया है क्वेश्चन, अगर आपने पास पेपर्स देखे होंगे तो। एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मौर्यकालीन जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगस्थिनीस की इंडिका से, वायु पुराण से मिलती है, मुद्रा राक्षस से मिलती है, दीपवंश से मिलती है, महावंश से मिलती है, ठीक है। तो ये आप 4-5 कम से कम 4 स्रोतों का उल्लेख करेंगे अगर आप, तो 2 मार्क्स पक्के। मैंने जो बताया उनके अलावा और भी है, खोजिए। अशोक के वृहद शिलालेख, वृहद स्तंभ लेखों का उल्लेख करें, 2, 4, 8 मार्क्स। अब अगर 2 मार्क्स हैं तो जो वृहद शिलालेख आपको बताया था मैंने, उसमें आप इतना बता दें कि अशोक के 14 वृहद शिलालेख मिले हैं, जो कि 7 जगहों से प्राप्त हैं, इतना बताएंगे तो 1 मार्क्स आपके पक्के। और 1 मार्क्स में उदाहरण के लिए 2 या 3 जगह बता दीजिए आप, जैसे कि शहबाज गढ़ी या रगुड़ी, आप 2-3 जगह बता दीजिए जहाँ से मिले। सारे नाम उल्लेखित करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पूरे नाम याद हैं और आपको लगता है कि भी आधा मार्क्स भी नहीं करना चाहिए, तो बेहतर होगा कि 2 मार्क्स में आप बिल्कुल शब्दों को बांध कर इस तरह से लिखें कि पूरे 7 जो हैं आपके शिलालेख जो हैं बृहद वाले, उनका नाम आ जाए। बिना कुछ आगे पीछे लिखे आप 7 शिलालेखों का नाम लिख दीजिए, यानी 7 जगहों का नाम लिख दीजिए जहाँ से 14 शिलालेख मिले, तो भी 2 मार्क्स तो फिर कहीं नहीं गए आपको, ठीक है। तो 2 मार्क्स में कहीं ना कहीं आप 14 शिलालेख हैं, 7 जगहों से मिले हैं, ये लिख करके 2-3 नाम भी लिख देंगे, 3-4 नाम भी लिख देंगे तो भी चलेगा। हालांकि देखिए, प्रश्न में उल्लेख करने बोला है, तो बेहतर तरीका ये है कि आप पूरे 7 जगहों के नाम लिख दीजिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर 2-3 जगह के नाम लिख करके उसके अबाउट्स में उसको लिख सकते हैं। और अगर 4 मार्क्स में, तो फिर ये सब करना पड़ेगा, पूरे 7 जगहों के भी नाम लिखने पड़ेंगे आपको, और 14 शिलालेख हैं ये भी बताना पड़ेगा, और थोड़े से आपके पास स्पेस बचती है तो कौन सी लिपि में है
और कौन सी भाषा में है वो भी बताएंगे। सेम यही चीज़ आप स्तंभ लेखों के लिए करेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स में है तो आप बता दें कि 7 स्तंभ लेख हैं वृहद वाले जो 6 जगह से मिले हैं, और 1-2 एग्जाम्पल बता दीजिए जगहों की जहाँ से ये मिले हैं। उल्लेखित करने बोला है तो यहाँ पे भी बेहतर तरीका 2 मार्क्स के डील करने के लिए होगा कि आप पूरे 6 जगहों के नाम लिख दीजिए, ठीक है। ये 2 तरीके से 2 मार्क्स को डील करने की बात हुई। और अगर यही चीज़ 4 मार्क्स के लिए पूछा गया तो सब 7 स्तंभ लेख हैं 6 जगहों से मिले हैं, वो 6 जगहों के नाम और वर्तमान में कौन से राज्य में है ये भी बता दीजिए आप, और उनके बारे में दूसरी चीज़ें कि कौन कौन से प्रमुख स्तंभ हैं, उनकी खासियतें क्या है, काश्म स्तंभ है, ये सारी बातें भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उल्लेख करने बोला है तो नाम जानना चाहता है, लेकिन अगर आपके पास शब्द सीमा ज़्यादा है तो आपको और जो जानकारियाँ आप डाल सकते हैं। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान पर प्रकाश डालें। आपको बताया था मैंने कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म जैन धर्म के अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बौद्ध धर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह अशोक है। अशोक ने बौद्ध संप्रदाय अपनाया था और उसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। मैंने पूरी एक स्लाइड आपको पढ़ाई थी जिस अशोक के बौद्ध धर्म से कनेक्शन को मैंने बताया था, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी स्थानों की यात्रा की थी। उन्होंने उनके जन्म स्थान लुम्बिनी में रुम्नी देय स्तंभ बनाया था। उन्होंने जब हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो उनके गुरु थे मोगलीपुत्र 30, उपगुप्त निगरोध के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। स्तूपों का, चैत्यों का, विहारों का निर्माण करवाया, धम्म का प्रचार प्रसार करवाया। ये सारी बातों का आप उसमें लिखित करेंगे जो शब्द सीमा है उसके दायरे में रहकर। अगर ये 4 मार्क्स का आया तो आप वो जो शुरुआती बातें हैं उनको नहीं लिखेंगे कि उसने बौद्ध धर्म कैसे अपनाया। प्रचार प्रसार के लिहाज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कितने उसने चैत्य विहार बनाया, एग्जाम्पल दे दीजिए कौन कौन से स्तूपों का निर्माण किया, धम्म महामात्यों की नियुक्ति की, महेंद्र संगमित्रा को भेजा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं। 8 मार्क्स में है तो उसकी जीवन गौतम बुद्ध की जीवन से जुड़ी जो जगह उनका विजिट किया, अपने शासन के कौन कौन से वर्ष में किया, वहाँ क्या क्या निर्माण किया, ठीक है। बौद्ध धर्म की छवि उसके अभिलेखों में कैसे मिलती है, अभिलेखों का भी उल्लेख करिए और उसमें बौद्ध धर्म की छवि जैसे मिलती है उनका भी आप उल्लेख करके बताइए, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य पर संक्षिप्त लेख लिखें। तो बिल्कुल जैसे न्याय व्यवस्था है बिल्कुल कला और स्थापत्य भी जो हमने बताया उसमें 7-8 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कला और स्थापत्य में, वो आप मार्क्स के हिसाब से उसे लिख सकते हैं। ज़्यादातर 4 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। बड़े 15 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ एक पर नहीं पूछेगा, याद रखिएगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सिर्फ इसका एक ही पहलू है जिस पर पूछ सकता है, बाकी पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते। कौटिल्य की सप्तांग सिद्धांत को समझाइए, ठीक है, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन पहले, 8 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 4 मार्क्स में भी। 4 मार्क्स में तो बस आप सप्तांगों के 7 अंग बता दीजिए तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 8 मार्क्स में पूछता है तो सप्तांगों को समझाना भी आपको पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 7 अंग हैं तो पैराग्राफ के तरीके से आपको नहीं लिखना है, आप 7 अंगों को ऐसे सब हेडिंग डाल के लिखिए और उस अंगों का महत्व लिखिए, तब आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण करें, ये मैं कह रही थी ये वो पहलू है जिस पर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया भी है और आगे भी आने के चांसेस हैं। प्रशासन के कई पहलुओं को आपने देखा था तो प्रशासनिक इकाइयों को ना भूलें, मंत्रिपरिषद को, अध्यक्षों को ना भूलें, सप्तांग सिद्धांत को ना भूलें, राजा के महत्व को ना भूलें, ठीक। ये उसके अलावा जो 4 हिस्से में आपको लिखना है उसमें सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, न्याय प्रशासन, नगर प्रशासन, ऐसे 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर दीजिए 4 सब हेडिंग्स में और 15 मार्क्स के लिए अपना आंसर फ्रेम कर दीजिए। कोई भी मूल्यांकन करने वाला ये क्वेश्चन नहीं है, तो इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी सी भूमिका बांधिए, इंट्रोडक्शन दीजिए और ये 4 हिस्सों में जितनी जानकारी आप झोंक सकते हैं झोंक दीजिए। इन्फॉर्मेशन जो आप देंगे उसी आधार पर इसका मार्क्स आपको मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वे में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास लिखने के लिए प्रशासन में बहुत कुछ है, आराम से आप इसे 175 शब्दों में ढाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जितना भी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हो आप हमेशा निष्कर्ष और भूमिका के लिए थोड़ी जगह बचा कर रखें,
ठीक है, वो कंप्लीट करता है आंसर को। कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ और सिर्फ जानकारी झोंक देंगे और कुछ भी एक लाइन भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को इनकम्प्लीट सा लगेगा वो आंसर। तो थोड़ा बहुत 25 शब्द ही सही इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दें आप, भले इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है तब भी, लेकिन बीच में जितनी हो सकती है आप इसकी जो USP है वो इसकी इन्फॉर्मेशन है, उसी पर आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। क्लासिफिकेशन में केंद्रीय, प्रांतीय, नगर और न्याय प्रशासन, ऐसा करके आप इसे बता दें, ठीक है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की संरचना समझाइए, ये भी 15 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि जो राजस्व प्रशासन वाला हिस्सा है, करों की संरचना वाला हिस्सा है, वो भी इसमें पूछा जा सकता है। हालांकि आज तक आया नहीं है, मैं एक प्रोबेबल बता रही हूँ, क्योंकि आया तो प्रशासन ही है, ठीक है, और प्रशासन के अंदर ही राजस्व प्रशासन को भी कई लोग समझा देते हैं। अगर आपके पास जो जगह है वो बचती है तो फिर आप जो राजस्व प्रशासन के बारे में मैंने अर्थव्यवस्था में पढ़ाया था उसको आप इसमें बता सकते हैं। बाकी अर्थव्यवस्था में अगर अलग से आता है तो फिर आर्थिक संरचना में, राजस्व प्रशासन में कितने तरह के गांव होते हैं कर के आधार पर, फिर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, पशुपालन का क्या महत्व है, व्यवसाय व्यापार का क्या महत्व है, जो मैंने बताया था वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट करों का नाम और ये इंपॉर्टेंट उद्योगों का नाम, इतनी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना, ठीक है। मैं तो एक सतही तौर पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने टॉपिक में पढ़ा दी हूँ उसको, ठीक है, यहाँ पे उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ जो नॉलेज आपको दी जा चुकी है उसको फ्रेम कैसे करना है या उसमें से प्रश्न कैसे बन सकते हैं और कितने मार्क्स के प्रश्न में कैसे आपको आंसर राइटिंग में डिफरेंस लाना है, वो समझदारी विकसित करने के लिए इन प्रश्नों को आपके सामने रखा गया है। बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट, इतने तरह के क्वेश्चंस मौर्यकाल पर से आए हैं और आने के चांसेस हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए हों। थैंक यू सो मच।